हेलो फ्रेंड्स, हम 5 से 6 साल बेबी के लिए रुमाली घेरे वाला फ्रॉक कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा बॉडी पार्ट है। ये मैंने दो पार्ट लिया हुआ, इसे दो फोल्ड में कर लिया पहले से। फ्रेंड्स, ये हमारा दो पार्ट है, एक बैग एक बॉडी के लिए। फ्रेंड्स, हम बॉडी का लंबाई लेंगे 13 इंच, शोल्डर का चौड़ाई लेंगे 4.5 इंच, आर्मोर का लंबाई लेंगे 5.25 इंच। यहाँ से हम चेस्ट के निशान लेंगे 6.5 में, कमर का चौड़ाई लेंगे हम 6 इंच। ये निशान मिलाकर हम एक लकीर देते हैं। फिर जितना हमारा शोल्डर है यहाँ पे नीचे हम इसके नीचे लेंगे। यहाँ से 1 इंच हम बाहर साइड निशान 1.5 इंच लेंगे आर्मर के गोलाई के लिए। फिर नीचे से हम 1/2 इंच साइड में हम कर देंगे गोलाई देने के लिए बॉडी का। गला का चौड़ाई लेंगे 2 इंच, नीचे भी हम 2 इंच एक लकीर मारते, और लंबाई लेंगे 3.5 इंच। फिर हम गला हमारा गोल रहने वाला है, इसे हम लकीर। फ्रेंड्स, बैक का गला हम गिराएंगे 1 इंच। फ्रेंड्स, ये हमारा लकीर, अब इसे हम कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम बैक वाला पार्ट कटिंग करेंगे। फिर हम बॉडी का गला कट करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा बॉडी रेडी है। एक हम फ्रेंड्स हम बैग में एक ओपन खोलेंगे। इसके लिए 4 इंच लंबाई 1.5 इंच चौड़ाई मैंने एक पट्टी दिया। फ्रेंड्स, अब हम घेरा कट करते। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, रुमाल घेरा हम कट करेंगे। 9 इंच चौड़ाई और 9 इंच लंबाई, और बीच में हम इस तरह कट करके एक सिला लगाएंगे। अब फ्रेंड्स, इस तरह हमें घेरे को सेट करना है। सेट करने के बाद हम सिला लगाएंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, घेरे का लंबाई है 34 इंच, और ये फोल्ड में कपड़ा है हमारा, इसे खोलने के बाद ही हमारा 34 इंच लंबाई रहेगा। लंबाई 34 इंच, चौड़ाई भी 34 इंच। इस तरह हमें दो दो कपड़ा लेना है। इस तरह से हमें अच्छे से फोल्ड करने के बाद हम कमर का गोलाई कट करेंगे। फ्रेंड्स, पहले हम कमर नाप लेते हैं, हमारा कितना हमें कटिंग करना है घेरे का। तो हमें रेडी हमारा बॉडी वाला कमर रहेगा 11 इंच। तो हम कोने से हम 3 इंच का लकीर लगाएंगे। इसे हम लकीर को मिलाकर कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, लकीर करने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कि कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। इसमें ये फिलहाल हमारा परफेक्ट है। चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम स्टिचिंग करेंगे। पहले बैग में हम एक ओपन खोलेंगे पट्टी से। फिर इसे कट करने के बाद हम पट्टी करने के बाद एक हम डबल फोल्ड करने के बाद हम सिलाई लगाएंगे।
डबल फोल्ड कर कर फ्रेंड्स, ये हमारा बैग रेडी है। तो हम शोल्डर अटैच करेंगे बॉडी लगाकर, दोनों साइड का शोल्डर हम ज्वाइंट करेंगे पहले। फ्रेंड्स, हम गले और हाले में पेपिन लगाएंगे मैचिंग कपड़ा। इसे मैंने रेप में कट कर लिया 1.5 इंच चौड़ा। इसे हम उल्टा साइड से लगाएंगे। फ्रेंड्स, आपका अगर आड़ा कपड़े का है जो स्ट्रेचेबल होता है और रेप है, तो आपको हल्का सा खींच कर लगाना है ताकि इसे फोल्ड करने के बाद आपको दिक्कत नहीं हो। इस तरह से हमें डबल फोल्ड करके किनारे हम सिलाई लगाएंगे। फिर हम हाले में भी हल्का सा घिंचते हुए टच करेंगे पेपिन को। इसे भी हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देते किनारे के पेपिन के किनारे में। फिर देखिए हमारा रेडी है गले और हाले में पेपिन। नीचे में हम 1.5 इंच का पट्टी लगाएंगे। इस तरह से चलिए फिर हम सिलाई लगाते हैं इसमें। फ्रेंड्स, हम पट्टी के किनारे में सिलाई लगाएंगे। इस तरह पट्टी के लिए हम सिलाई लगाएंगे नीचे साइड। देखिए ये दो बेल्ट मैंने बना लिया, ये बॉडी के साइड में जाएगा इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा घर अटैच कर लिया हमने। ये कुछ मैचिंग का फूल है जो हम अटैच करेंगे फ्रॉक में। देखिए काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है हमारा फ्रॉक। फ्रेंड्स, ये 5 से 6 साल बेबी के लिए ये दिया जाएगा। चलिए हम फूल अटैच करते हैं।